हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश एंड आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट लैब का क्विक रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सर्वर डोमेन कंट्रोलर है जिस पे ADDS, DHCP एंड DNS रोल्स हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। सेकंड सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है जिसको इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्लाइंट मशीन्स हैं विच इज़ रनिंग ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डोमेन ज्वाइन मशीन है एंड जो ऐसा लोकल वर्कस्टेशन एक्ट करेंगी हमारे टेस्ट लैब में। सो फ्रेंड्स, लेट मी क्लोज दिस क्विकली एंड नाउ हम VMware ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों सर्वर्स पावर ऑन हैं। हम SSEM सर्वर में लॉगिन करेंगे। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके। फ्रेंड्स, हम सर्वर मैनेजर को रिफ्रेश करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंस्टॉलेशन मीडिया का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डेस्कटॉप पर चलते हैं एंड आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन मीडिया मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वर्जन 2.0.2 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम सिंपली इस फ्लैश एप्लीकेशन फाइल को ओपन करेंगे। आप प्रोडक्ट का वर्जन वेरीफाई कर सकते हैं, वर्जन इज 2.0.2। हम सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, क्लिक यस। बिफोर यू बिगेन, हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए सपोर्टेड SQL वर्जन इंस्टॉल किया है या नहीं। हमने सपोर्टेड SQL वर्जन SQL सर्वर 2019 इंस्टॉल किया है। एंड सेकेंड, SQL सर्वर रनिंग है या नहीं। यस, SQL सर्वर रनिंग है। सिंपली क्लिक नेक्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं हम प्राइमरी साइट क्रिएट कर रहे हैं, क्लिक ऑन इंस्टॉल आ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर प्राइमरी साइट एंड हम टिपिकल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक नेक्स्ट, क्लिक यस। जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स आस्किंग फॉर अ प्रोडक्ट की। एस ऑफ नाउ हम ट्रायल वर्जन यूज़ करेंगे जो कि 180 डेज के लिए वैलिड होगा, जो कि इनफ है टेस्टिंग पर्पस के लिए। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड नाउ हमेशा की तरह हमें लाइसेंस एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। नाउ इट्स आस्किंग फॉर प्री रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स। कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं जो कि डाउनलोड करनी पड़ेंगी बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द इंस्टॉलेशन। हम सिंपली ब्राउज पर क्लिक करेंगे एंड हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ लाइक रिक्वायर्ड डाउनलोड्स। ओके, फ्रेंड्स, हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके एंड क्लिक नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा। एस ऑफ नाउ हम कैंसिल करेंगे। क्लिक ऑन कैंसिल, क्लिक यस। रिक्वायर्ड फाइल्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं सिंपली पाथ सिलेक्ट करूंगा। फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड फाइल्स डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता जिससे वीडियो लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने पहले ही फाइल्स डाउनलोड करके रखी हैं। अब देख सकते हैं ऑन डेस्कटॉप एंड फोल्डर MECM रिक्वायर्ड फाइल्स। हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके एंड क्लिक नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स वेरीफाइंग द डाउनलोड फाइल। थोड़ा सा वेट करेंगे। इन अ मीन टाइम मैं आपको डाउनलोड फाइल्स का साइज चेक करा देता हूँ। जो रिक्वायर्ड डाउनलोड फाइल्स हैं वो अराउंड 1.18 GB की फाइल्स हैं जिसको हम इस वीडियो में डाउनलोड करते वीडियो लेंथी हो जाता। हम इसको कैंसिल करेंगे एंड हम फिर से इंस्टॉलेशन पर चलते हैं। इट्स आस्किंग फॉर अ साइट कोड। फ्रेंड, साइट कोड आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट इट शुड बी आइडेंटिकल। मैं साइट कोड एंटर कर देता हूँ लाइक 001। नाउ वी हैव टू एंटर द साइट नेम।
मैं साइट नेम एंटर कर देता हूँ लाइक इंदौर हाइफन एच ओ। सो अगेन साइट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट इट शुड बी आइडेंटिकल। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर द इंस्टॉलेशन फोल्डर। इंस्टॉलेशन फोल्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे। एंड वी हैव टू चेक दिस ऑप्शन इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम SACM को मैनेज कैसे करेंगे। सो सिंपली चेक दिस वन एंड क्लिक नेक्स्ट। सो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेसी स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, एस ऑफ नाउ क्लिक नेक्स्ट। सो नाउ इट्स आस्किंग टू कनेक्ट टू द क्लाउड सर्विस। इस स्टेप को हम एस ऑफ नाउ स्किप करेंगे, क्लाउड सर्विस के लिए हम सेपरेट वीडियो सेगमेंट बनाने वाले हैं। सो सिंपली क्लिक नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज द समरी। आप वेरीफाई कर सकते हैं लाइक साइट कोड, साइट नेम एंड पोर्ट नंबर 4022 हम पहले ही फायरवॉल में ओपन कर चुके हैं। सो क्लिक नेक्स्ट। प्री रिक्वेस्ट साइट चेक रनिंग में है, हम वेट करेंगे रिजल्ट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दो वार्निंग मिली हैं रिलेटेड टू SQL सर्वर मेमोरी एलोकेशन एंड सर्वर परमिशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं SQL सर्वर को हम पहले ही मेमोरी एलोकेट कर चुके हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सर्वर पर हमने SACM एडमिन यूजर को एडमिन एक्सेस पहले ही दिया हुआ है। सो सिंपली क्लिक ऑन बिगेन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट्स टोटली अप टू योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अप टू 20 मिनट्स आपको लग सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में अराउंड 40 मिनट्स लगा। इट्स टोटली अप टू योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा होगा उतना ही कम टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। सो अगर आपको लॉग्स चेक करने हैं तो आप व्यू लॉग पर क्लिक कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम क्लोज करेंगे। सो क्लिक ऑन एग्जिट। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ हम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल ओपन करेंगे। सो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल। सो हम ओपन करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट नाउ इट्स कनेक्टिंग टू साइट डेटाबेस। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल ओपन हो चुका है। नाउ हम वर्जन क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सो हम सिंपली एरो पर क्लिक करेंगे एंड अबाउट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। सो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वर्जन 2002 का इंस्टॉलेशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अपकमिंग वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना सीखेंगे इनटू द क्लाइंट मशीन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।